हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द वेरी वेरी यमी रेसिपी, दैट इज क्रिस्पी आलू टिक्की। आलू की टिक्की मैंने कुछ डिफरेंट मेथड से ट्राई की है। बिलीव मी, बहुत बहुत ही क्रिस्पी आलू की टिक्कीज बनी थी। यू ऑल्सो ट्राई दिस वे ऑफ मेकिंग आलू की टिक्की। इसके लिए हमने लिए हैं बॉइल्ड आलू। This is corn flour. This is the main ingredient of this. And this is rice flour. This is also important. This is black pepper powder, that is kali mirchi and salt. तो आइए सबसे पहले एक बाउल में हम आलू मैश करेंगे। आलू हम इससे मैश करेंगे, आलू को आप हाथ से मैश ना करें क्योंकि वो प्रॉपरली मैश नहीं हो पाता है। आप आलू को इससे मैश करें ताकि वो डीपली अच्छे से मैश हो जाए। सारे आलू हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने सारे आलू मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। अब ऐड करेंगे राइस फ्लोर, फिर ऐड करेंगे काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक, और कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग डिफरेंट वे आई ट्राइड। आलू की टिक्की मैंने कई बार ट्राई की है और ये एक तरीका है जो मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है। इससे डेफिनेटली आलू की टिक्की क्रिस्पी हो गई है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करके इस पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करके ऊपर स्प्रेड करके इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम बनाएंगे आलू की टिक्की। देखिए अब हम एक प्लेट में वापस से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इस तरह नीचे से हम प्लेट पे कॉर्नफ्लोर स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और इस पे हम टिक्कीज बना बना के रखेंगे। अपनी हथेलियों पे हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे ताकि वो चिकनी हो जाए, और फिर हम बनाएंगे टिक्कीज। तो देखिए हम लेंगे इसका कुछ पार्ट। इसको आपको प्रॉपर शेप नहीं देना है, जस्ट आपको स्मूथली इस तरह से करना है और रख देना है। ये टिक्कीज में जैसे कि स्ट्रीट फूड में, यानी कि जो थेलों पे जो टिक्कीज मिलती है, उस तरह से मैंने ये टिक्कीज बनाने की कोशिश की है। और नॉर्मली थेलों पे टिक्कीज की यही शेप रहती है, तो वो दिखने में इफेक्टिव लगेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इस तरह से हम ये सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। और देखिए सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली है। देखिए वापस से हम इस पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे सब बॉल्स पे, और 5 मिनट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे वापस से। देखिए इस तरह से। तो आइए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। देखिए जो फ्लेम रहेगी वो मीडियम टू लो रहेगी। स्टार्टिंग में मैंने तेल गरम करने के लिए आंच तेज कर ली है। जब तेल गरम हो जाएगा तो उस पे हम टिक्कीज रखेंगे और फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। आलू की टिक्की क्रिस्पी करने के लिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि फ्लेम आपकी हाई ना रहे, इट्स मीडियम टू लो। मीडियम टू लो रहने से आलू की टिक्की डीपली क्रिस्पी हो जाएगी। अगर फ्लेम तेज रहेगी तो वो जस्ट बाहर बाहर से सिकेगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो आपको मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। देखिए ये मीडियम टू लो फ्लेम अपनी रहेगी और इससे ही आप टिक्की सेकेंगे। इन टिक्कीज को तैयार होने में लगभग 25 मिनट आराम से लगते हैं क्योंकि हमें इन्हें डीपली क्रिस्पी करनी है, सो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बीच बीच में आप इनको टर्न करते रहेंगे। देखिए इनको हम टर्न करने जा रहे हैं। फ्लेम अभी भी मीडियम टू लो ही है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कोई भी चीज परफेक्ट करने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप जरूर फॉलो कीजिए। सबको हम टर्न बाय टर्न करके और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। ऑयल मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, इट्स जस्ट कि
सिक जाए, चारों तरफ जो टिक्कीज है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। बीच बीच में हम टिक्कीज टर्न बाय टर्न करते रहेंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करते रहेंगे। मीनवाइल आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। इसी बीच में मैंने अमचूर की चटनी बना ली है, 4 टिक्कीज। आप इमली की चटनी भी बना सकते हैं और ग्रीन चटनी भी मैंने इसमें तैयार कर ली है। तो देखिए टिक्कीज को हम चारों तरफ से भी सेकने जा रहे हैं। इस तरह से आप टिक्कीज को एक के ऊपर एक रखते हैं ताकि चारों तरफ से टिक्कीज अच्छे से सिक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए ये इंग्रेडिएंट्स मैंने जब तक रेडी कर लिए हैं, दही को ग्राइंड कर लिया है, अमचूर या इमली की चटनी रेडी कर ली है और ग्रीन चटनी भी मैंने बना ली है। ये है रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर, दिस इज 0 साइज नमकीन, कोरिएंडर लीव्स, दिस इज सॉल्ट, सम चॉप्ड अनियन एंड दिस इज सम चाट मसाला। ये आलू की टिक्की के लिए हम रेडी करेंगे। दिस इज सम रेड चिली पाउडर। इसमें हमने छोले तैयार नहीं किए हैं, दिस इज आलू टिक्की चाट बोल सकते हैं इसे आप। देखिए कितनी क्रिस्पी और अच्छे से डीपली क्रिस्पी टिक्कीज हो गई है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका आप साउंड सुनिएगा, मैं फोक से आपको इन्हें पुश करके बता रही हूँ, तो साउंड से आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गई है। तो देखिए ये टिक्कीज हमारी रेडी है। तो आइए हम बनाते हैं आलू टिक्की चाट। सबसे पहले हम टिक्कीज पर डालेंगे इमली की चटनी, उसके बाद ऐड करेंगे ग्रीन चटनी, वेरी चटपटी आलू टिक्की चाट। आई एम गोइंग टू रेडी एंड सर्व। अब ऐड करेंगे दही। दही आपको बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है, जस्ट मीडियम। फिर ऐड करेंगे सम सॉल्ट। टिक्कीज में आप चाहें तो अनियन ऐड कर सकते हैं, चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे सम रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर, दैट इज जीरा पाउडर। इसके बाद ऐड करेंगे वापस से थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ा सा दही, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे रेडी कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, इससे टेस्ट डबल हो जाता है। फिर ऐड करेंगे सम 0 साइज नमकीन। गार्निशिंग आप अच्छे से करें। तो देखिए इस टिक्की में मैं प्याज ऐड करने जा रही हूँ, वो मैंने बिना प्याज की बनाई थी, तो इस तरह से आप प्याज ऐड कर सकते हैं। तो ये तैयार है आपकी क्रिस्पी आलू टिक्की चाट, द वेरी वेरी यमी। बिलीव मी यू ऑल्सो ट्राई दिस क्रिस्पी आलू टिक्की एंड गिव मी योर फीडबैक प्लीज कॉमेंट्स बिलो एंड थम्स अप माई वीडियो प्लीज। दिस इज माई चैनल, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर डिलीशियस एंड यमी रेसिपीज। ओके, सी यू विद द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।